गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर आकांक्षा यानी कि अक्कू। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने सोचा बना लेते हैं क्योंकि मुझे अपना वॉच टाइम भी कंप्लीट करना था और फिर हो भी नहीं रहा था। तो फिर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैंने छोड़ दिया था ब्लॉग बनाना। नॉर्मल शॉर्ट्स में मुझे खुशी मिलती है, बट शॉर्ट्स से जो है वॉच टाइम जो है कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज काफी दिनों के बाद मैं जाने वाली हूँ घर, क्योंकि हमारी विंटर वेकेशन पड़ी है। तो मैं जाने वाली हूँ घर, और मेरी दोस्त भी मेरे साथ आ रही है जो कि वेस्ट बंगाल से है और वो यहीं चंडीगढ़ में स्टडी कर रही है। तो वो हमें बस स्टेशन में मिलेगी और उसको हम बस स्टेशन से पिकअप करेंगे। तो वो भी मेरे साथ घर जा रही है ताकि घूमने के लिए। व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही थी, मैं सोच रही थी कि लोगों को क्या ही मेरी लाइफ में इंटरेस्ट होगा बोलेंगे, और अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं है। ओ हो, बाथरूम दिख रहा है खुला हुआ, बंद कर देती, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना बैकग्राउंड। हाँ, तो मेरी लाइफ में क्या ही इंटरेस्ट होगा, बट फिर भी मैंने सोचा जिसको इंटरेस्ट होगा थोड़ा बहुत ले ही लेगा। तो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बगल में लड़कियाँ सो रही है पीजी में। तो शोर करूंगी तो फिर यहाँ पे तो हंगामा हो जाएगा। नहीं, वैसे हंगामा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब चिल लड़कियाँ हैं, मतलब एकदम फ्रेंडली है, तो कुछ ऐसा पंगा वाली बात नहीं है। तो अभी मैं फटाफट से मैगी बना रही हूँ। सुबह के बज रहे 6:30 बज चुके हैं, मुझे निकलना है 7:30 बजे तक। 8 बजे तक मेरी बस है वहाँ पे, बस स्टॉप पे अम्बाला कैंट से मैं बस पकड़ूंगी। तो फटाफट से मैं मेरा हाथ भी दर्द होने लग गया, काफी टाइम से वीडियो बना रही हूँ तो हाथ भी पेन होने लग गया ऐसे पकड़ पकड़ के, पकड़ते हैं पर दूसरे हाथ से तो कैमरा। हाँ, तो अभी मैं फटाफट से मैगी बना रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि खाली पेट गुर 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 होता है। तो मैगी बना के और उसके बाद मैं रेडी होंगी, क्योंकि मैं अभी सो के उठ रही हूँ, मेरा हुलिया कुछ ऐसा हो रहा है। तो प्लीज आगे बने रहेगा व्लॉग में। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, और बाहर बहुत ज्यादा कोहरा हो रखा है, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं बस मिलती नहीं मिलती, क्योंकि इस बार मैं बस से जा रही हूँ क्योंकि ट्रेन की टिकट बुक हो नहीं रही थी, वो लेट थी, और फिर मेरी छुट्टियाँ फिर ख़त्म हो जाती, फ़ायदा क्या था इतना लेट जाके। इसलिए इस बार मैं बस से जा रही हूँ और साथ में मेरी दोस्त। तो निकलते फटाफट से, टाइम हो चुका है। तो देखिए गाइस, बाहर कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है और मैं बस स्टैंड में पहुँच गई हूँ। ये मेरा बैग, और मैं वेट कर रही हूँ बस का। तो बस अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है मेरे को। बहुत ही स्ट्रगल करके मैं बैठ गई हूँ बस में, थोड़ी आवाज़ कम आएगी क्योंकि शोर है बस का। तो बैठ गए हैं बस में, और अभी टाइम लगेगा थोड़ा, बस स्टैंड तक पहुँचने में। वहाँ से मैं पकड़ूंगी डायरेक्ट गुरुद्वार की या फिर हरिद्वार की बस। बैग बहुत ज़्यादा भारी है, चढ़ाने में बहुत दिक्कत हुई। देखते हैं अब उतारना कैसे, मिलते हैं बस स्टैंड। हम पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट के बस स्टैंड में, और इसकी खुशी देखो घर जाने की। मैं घूमने जा रही हूं। ये मेरी दोस्त जो बंगाल से है ना, थोड़ा बंगाल में बात करें। तुम्हारा समय क्या मना चो? मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब हम बस का वेट कर रहे हैं, देखते कितने बजे तक आती है। और ये इनकी सिस्टर, हेलो। मेरा अम्बाला कैंट का बस स्टैंड, और बहुत सारे बसें लग रखी है यहाँ पे। हैं, क्या बोल रही? कितने बजे निकलेगी बस का भी टाइम? बस आए तो सही, तब तो पता चलेगा कितने बजे निकलेगी। बैठ गए हम बस में, अच्छे से पैक होके, और हमारा सामान पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रहा है। तो 5-10 दिन की छुट्टी मिल रही बस, और जाए सर हफ्ते भर के लिए। तो अब मिलते हैं आपको। अभी हमें डायरेक्ट गुरुद्वार की नहीं मिली, हमें मिली है हरिद्वार तक की, वहां से हम चेंज करेंगे, है ना। अभी हम पहुंच गए हरिद्वार, और हमको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मंगाया क्या? मंगाया पराठे और प्लेट्स। अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद फिर गुरुद्वार की बस के लिए निकलेंगे। तो हम बैठ गए हैं गुरुद्वार वाली बस में, और हालत की तो हालत की शक्ल की हालत तो बहुत ही बेकार हो रही है। अरे कैमरा को ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, स्मूथ स्मूथ सा आ रहा है कुछ ज्यादा। कुछ ज्यादा स्मूथ आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट मिलेंगे गुरुद्वार में, और गाड़ियाँ बहुत ज्यादा चल रही है तो मेरी आवाज बहुत कम आएगी। तो हम लड़खड़ाते मड़फड़ाते पहुंच गए हैं पैदल पैदल। जिसने आना था लेने वो तो सॉरी की फोन से चौक करके, और थोड़े से दूर और बेचारे थक गए हैं हमारे दूर से आए हुए मेहमान। कोई नहीं, घर में जाके तो मैं रेस्ट करवाएंगे। और भोलेनाथ का मंदिर, जय शिव जी ओम नमः शिवाय, सब तो पहुंच ही गए, घर में एंट्री मारेंगे।
ठीक है, कैसा लग रहा है यहाँ पे? तो हमें तो थक लग गई होगी, कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छे लग रहे हैं इनको यहाँ के घर। तो हम घर के बहुत ही पास 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 आ चुके हैं और अभी हालत इतनी बेकार हो रही है कि पूछो मत। गेट खोलेंगे और घर में एंट्री मारेंगे। अब गेट खोलते हैं। कम। और मेरी मम्मी वहाँ धूप से एक नहीं कि बच्चों को वेलकम करे, अब आएंगे करते करते गेट बंद कर देते हैं। चलो गाइस, नहीं ताई के घर ये, वो तो किराए में उधर। तो हम घर पहुँच गए, आ गए लटक पटक पे मुसाफिर हमारे। हाँ थक गए हम, है ना मम्मी? रास्ते छोटी रह पहुंच गए घर और गढ़वाली में बात करते हैं। मतलब कैसा लग रहा तुमको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पहुँच गए हम घर, गाँव में अपनी बात। और ताई से भी मिल लिया हमने, और चाय बन रही है, चाय पी लो, चाय पी लो गाइस। दगड़िया दूर से रिश्तेदार से लेके आए हम, बहुत दूर से। बाय दगड़ियो। तो अभी हम रूम के अंदर आ गए हैं। बालों की हालत, हमारी हालत, सब कुछ बेकार हो रही है अभी, सब बेकार। तो अब थोड़ा हाथ मुंह धो के खाना वाना खाएंगे। ये था हमारा चंडीगढ़ से कोटद्वार तक का सफर। अभी देखते ब्लॉग एंड करती हूँ या फिर बनाऊंगी आगे कंटिन्यू, देखते हैं अगर बन जाएगा तो।